नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक तरह से एलियन रोमबलूज नाम की इस मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों ये जो मूवी है अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाली है इस मूवी से रिलेटेड आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हो क्या ये ओ टी टी पे एक तरह से आएगी या सिनेमा हॉल्स में आएगी सारी कुछ जानकारी आपको देने वाला हो साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग और और भी जितनी भी डिटेल हैं सारी कुछ आपको बताने वाला हो तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेलाइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर ले और दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं एलियन रोमुलस एक आगामी अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन फेडे अलवारेज ने किया है जिन्होंने इसे रोडो सैयागस के साथ मिलकर लिखा है यह एलियन फ्रेंचाइज में एक स्टैंडलोन किस्त है और कुल मिलाकर नौवीं फिल्म है जो एलियन उन्नीस और एलियंस उन्नीस की घटनाओं के बीच सेट है इसमें कैली स्पेनी इसाबेला मर्सिड डेविड जोसन आर्ची रेनॉक्स स्पाइक फन और एलेन वो शामिल है बीसवीं सेंचुरी स्टूडियोज और स्कॉट फी प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह फिल्म 16 अगस्त 2024 को बीसवीं सेंचुरी स्टूडियोज द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है कास्ट करें कैली स्पेनी इसाबेला मेरेड डेविड जोनसन आर्ची रेनॉक्स स्पाइक फ्रना एलिन वू उत्पादन वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा 21वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद 2019 सिनेमाकॉन में आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई कि भविष्य की एलियन फिल्में विकास में हैं 2 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई थी कि फेडे अलवारेज अपनी कहानी पेश करने के बाद फिल्म का लेखन और निर्देशन करेंगे और कहा गया था कि यह फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से असंबद्ध है इस परियोजना को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में होलू तीन नवंबर तक कैली स्पेनी ने अभिनय के लिए बातचीत शुरू कर दी थी चार मार्च 2023 में इसाबेला मर्सिड को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया जो स्पेनी के साथ सहकलाकार थी पाँच उस महीने के अंत में डेविड जोसन आर्ची रेनॉक्स स्पाइक फ्रना और एलिन वो अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए 6 नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि फिल्म एलियन उन्नीस और एलियंस उन्नीस की घटनाओं के बीच सेट की जाएगी सात फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी 9 मार्च से 3 जुलाई 2023 तक बुडापेस्ट में हुई 8 सितंबर 2010 हजार दस ग्यारह रिलीज एलियन रोमुलस को मूल रूप से हु पर रिलीज किया जाना था तीन लेकिन इसे 16 अगस्त 2024 को नाटकीय रिलीज में बदल दिया गया फेडरिको अलवारेज जन्म 9 फरवरी 1978 सौ अठहत्तर उरुग्वे के एक फिल्म निर्माता है उन्हें एविल डेड 2013 और डोंट ब्रीथ 2016 हजार के निर्देशन के लिए जाना जाता है साथ ही उनकी लघु फिल्म एटैक डे पैनिको भी 2009 जीवन और कैरियर अलवारेज का जन्म मोंटेविडियो उरुग्वे में हुआ था 2009 में अलवारेज ने अपनी लघु फिल्म एटक दी पैनिको रिलीज की YouTube पर ऑनलाइन प्रीमियर से पहले फिल्म को 31 अक्टूबर 2009 को ब्यूनस आयर्स रोजो संग्रह फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था एक कुछ सप्ताह बाद अलवारेज ने घोस्ट हाउस पिक्चर्स के साथ 30 डॉलर 40 मिलियन डॉलर की विज्ञान फाइव फिल्म का निर्देशन करने का सौदा किया दो घोस्ट हाउस के साथ उनका पहला प्रोजेक्ट एविल डेड रीमेक का निर्देशन और सहलेखन था तीन एविल डेड की रिलीज के बाद अल्वारेज ने कहा कि उन्हें बड़ी फ्रेंचाइजी करने का प्रलोभन था लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपेक्षाकृत कम बजट की हॉरर फिल्म द ओंट ब्रीथ 2016 का निर्देशन और सह लेखन किया जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली चार अल्वारेज ने बाद में खुलासा किया कि इस अवधि के दौरान मार्वल स्टूडियोज ने उनसे एक अनिर्दिष्ट फिल्म का निर्देशन करने के लिए संपर्क किया था लेकिन उन्होंने यह महसूस करते हुए इनकार कर दिया कि इस पर उनका रचनात्मक नियंत्रण कम होगा पाँच दो हजार सत्रह में अलवारेज ने गुड यूनिवर्स के साथ मिलकर अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बैड होमरे स्थापित की छे अलवारेज ने द गर्ल इन द स्पाइडर वेब का निर्देशन किया जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित अंग्रेजी भाषा की द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू श्रृंखला का रिबोट है फिल्म में 2011 की फिल्म की तुलना में पूरी तरह से नए कलाकार शामिल थे और 9 नवंबर 2018 को रिलीज हुई थी 7 अप्रैल 2019 में अलवारेज ने डॉग लिमन के साथ 2021 की फिल्म कैस वॉकिंग के लिए रीशूट का निर्देशन किया जिसमें अतिरिक्त 15 मिलियन डॉलर जोड़े गए फिल्म के बजट के लिए आठ 2021 में अल्वारेज ने एप्पल टीवी प्लस के लिए कॉल्स के सभी नौ एपिसोड का निर्देशन किया जो एनिमेटेड विजुअल घटकों के साथ मुख्य रूप से ऑडियो आधारित श्रृंखला है उन्होंने डोंट ब्रीथ दो का सह लेखन और सह निर्माण भी किया जो तेरह अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी जिसका निर्देशन रोडो सयाग्यूस ने किया था 9 अक्टूबर 2011 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई थी कि अल्वारेज अपनी खुद की कहानी पेश करने के बाद एलियन रोमुलस का लेखन और निर्देशन करेंगे और कहा गया था कि यह फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से असंबद्ध है अगस्त 20, 24 में नाटकीय रिलीज 12 अवास्तविक परियोजनाएं अलवारेज को सितंबर 2013 में यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए वीडियो गेम डेंटेज इन्फर्नो के लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था हालांकि घोषणा के बाद से कोई और अपडेट प्रदान नहीं किया गया है 13 मई 2016 में अल्वारेस को वार्नर ब्रदर्स के लिए मॉन्स्टरपोकैलिप्स के एक रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था 14 अक्टूबर 2016 में अलवारेज को डैनियल केसी की एक स्क्रिप्ट के आधार पर सोनी पिक्चर्स के लिए इनकोग्निटो के एक रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए लाया गए आथा पंद्रह द बैटमैन के निर्देशक के रूप में अलवारेज को बेन एफ्लेक की जगह लेने पर विचार किया गया सोलह तेरह अप्रैल 2017 को अल्वारेस को निकोल पर्लमैन और जे बसु के साथ लेबरिंथ के स्पिन ऑफ का निर्देशन और सह लेखन करने की पुष्टि की गई थी सत्रह हालांकि अप्रैल 2020 में अल्वारेज ने घोषणा की कि उन्होंने निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया है अठारह फिल्मोग्राफी लघु फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता संपादक टिप्पणियां 2001 लॉस पोसिलोस हाँ नहीं नहीं हाँ 2003 हजार तीन एल अल्टिमो एलेवेरे हाँ हाँ नहीं हाँ दो हजार पांच एल कोजोनो हा हाहा हा दो हजार नौ पैनिको पर हमला हा 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 हा, हा इसके अलावा दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक और एनिमेटर भी फीचर फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता टिप्पणियां 2013 हजार तेरह ईवल डेढ़ नहीं गीत बेबी लिटिल बेबी के लेखक भी 2016 हजार सोलह सांस मत लो हाहा हा हा साउंड ट्रैक में वायोला एकल कलाकार भी 2018 हजार अठारह मकड़ी के जाल में फंसी लड़की हाहा नहीं 2021 हजार इक्कीस सांस मत लो दो नहीं हाहा दो हजार बाईस टेक्सास चेंसो नरसंहार नहीं कहानी हा 2024 एलियन रोमुलस हा हा नहीं डाक उत्पादन टेलीविजन वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक कार्यकारी निर्माता टिप्पणिया 2014 शाम से भोर तक श्रृंखला हा नहीं नहीं एपिसोड ला कॉन्क्रिस्टा 2021 हजार इक्कीस कॉल हा 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 निर्माता निर्देशक और कार्यकारी निर्माता नौ एपिसोड लेखक सात एपिसोड यीशु के रूप में आवाज की भूमिका एक एपिसोड अन्य श्रेय वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2017 हजार सत्रह पेस्टे संगीतकार लघु फिल्म 2020 मेरा दिल जोर से धड़कता है धन्यवाद 2021 हजार इक्कीस अराजकता से चलना रीशूट के निदेशक रोनो सयागुएस एक उरुग्वे फिल्म निर्माता गीतकार और अभिनेता है जिन्हें फेडे अलवारेज द्वारा निर्देशित फिल्मों एविल डेड 2013 और डोंट ब्रीद 2016 में सह लेखक के रूप में उनके काम और डोंट ब्रीथ दो के निर्देशन के लिए जाना जाता है 2021 कैरियर लघु फिल्में लिखने के बाद सयाग्यूस ने अपनी पहली फीचर फिल्म एविल डेड 2013 लिखी जो 1981 की फिल्म की रीमेक के रूप में काम करती है एक उन्होंने 2016 की हॉरर फिल्म डोंट ब्रीथ लिखने के लिए एविल डेड के निर्देशक फेडे अलवारेस के साथ दोबारा काम किया दो तीन तीन मई 2016 को वार्नर ब्रदर्स ने पोकैलिप्स की पटकथा को सह लिखने के लिए सयाग्यूज और अलवारेस को काम पर रखा चार ग्यारह अक्टूबर 2016 को कोलंबिया पिक्चर्स ने इनकॉग्नेटो के अधिकार हासिल कर लिए और पटकथा लिखने के लिए सयागुएस डैनियल केसी और अलवारेस को काम पर रखा पांच जुलाई 2017 में सयाग्यूस और अलवारेज को साइमन बैरेट की एक स्क्रिप्ट पर जेसन आइजनर के निर्देशन में एक शीर्षक रहित टेक्नो थ्रिलर फ़िल्म का निर्माण करने के लिए काम पर रखा गया था छह सात नवम्बर दो में सयाग्यूज और अलवारेस को उनकी 2013 की फिल्म एविल डेड की अगली कड़ी के सह लेखन के लिए लाया गया था आठ नौ सितंबर 2019 में सयाग्यूज़ और अलवारेस को 2022 हजार बाईस टेक्सास नरसंहार सीक्वल के सह लेखन के लिए काम पर रखा गया था दस ग्यारह जनवरी 2020 में सयागुएस को सीक्वल डोंट ब्रीथ दो के निर्देशन और सहलेखन के लिए काम पर रखा गया जिससे उनका निर्देशन डेब्यू हो गया बारह फिल्म तेरह अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी तेरह अप्रैल 2020 में सयाग्यूज ने लायंस गेट जोम्बी फिल्म सोलह स्टेट्स का निर्माण कर ने के लिए हस्ताक्षर किए 14 मार्च 2023 में यह घोषणा की गई थी कि सयाग्यूस और अलवारेज अगस्त 2024 में एक नाटकीय रिलीज के लिए एलियन रोमुलस का सह लेखन करेंगे 15. फिल्मोग्राफी लघु फिल्में वर्ष शीर्षक के रूप में श्रेय दिया गया टिप्पणियां लेखक निर्माता 2005 एल कोजोनडो हाहा 16. 2009 हजार पैनिकों पर हमला हाँ नहीं इसके अलावा अभिनेता की भूमिका फोन पर लड़का सत्रह फीचर फिल्में वर्ष शीर्षक के रूप में श्रेय दिया गया टिप्पणियां निदेशक लेखक निर्माता 2013 हजार तेरह इवल डेड नहीं हाँ नहीं बेबी लिटिल बेबी गीत के लेखक भी एक 2016 हजार सांस मत लो नहीं हाँ सह निर्माता बारह 2021 सांस मत लो दो हाँ हाँ निर्माता निर्देशन की शुरुआत 12 18 19 संगीतकार भी इलेक्ट्रिक गिटार 2022 हज़ार बाईस टेक्सास नरसंहार नहीं कहानी कार्यकारिणी बीस इक्कीस दो एलियन रोमलस नहीं हाँ नहीं पोस्ट प्रोडक्शन 15 अन्य श्रेय वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2017 खरपतवार प्राप्त करे कार्यकारी निर्माता बारह 2018 मकड़ी के जाल में फंसी लड़की गीतकार थीटा गीत के लेखक और निर्माता बाईस 2021 कॉल सह कार्यकारी निर्माता इसके अलावा कहानी का एपिसोड मी माई सेल्फ एंड डार्लिंग केन के शरीर को एयरलॉक से बाहर निकालने के बाद चालक दल ट्रैकिंग उपकरणों के साथ प्राणी का पता लगाने और जाल इलेक्ट्रिक प्रॉड्स और फ्लेमेथ्रोवर के साथ उसे पकड़ने का प्रयास करता है ब्रेड चालक दल की बिल्ली जोन्स का पीछा करते हुए लैंडिंग लेक डिब्बे में जाता है दस जहां अब पूर्ण विकसित एलियन ब्रेड पर हमला करता है और उसके शरीर के साथ गायब हो जाता है गर्मागर्म चर्चा के बाद चालक दल ने निर्णय लिया कि प्राणी को वायु नलिकाओं में होना चाहिए डलास राक्षस को एयरलॉक में मजबूर करने के इरादे से नलिकाओं में प्र। वेश करता है लेकिन वह घात लगाकर हमला करता है और प्रतीत होता है कि उसे मार डालता है लैंबर्ट को यह एहसास हुआ कि एलियन चालक दल को एक एक करके मारने का इरादा रखता है उसने दूसरों से जहाज़ छोड़ने और उसके छोटे शटल में भागने का आग्रह किया लेकिन रिप्ले जो अब कमान में है समझाता है कि वह चार लोगों का समर्थन नहीं करेगा और डलास की योजना को जारी रखने पर जोर देता है एलियन को बाहर निकालना माँ तक पहुंचने पर रिप्ले को पता चलता है कि कंपनी ने गुप्त रूप से ऐश को एलियन के साथ लौटने और चालक दल को खर्च करने योग्य मानने का आदेश दिया है वह ऐश का सामना करती है जो उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करती है पारकर हस्तक्षेप करता है और ऐश को पकड़ता है उसका सिर ढीला कर देता है और उसे एक एंड्रॉयड के रूप में प्रकट करता है वह रिप्ले और लैम्बर्ड ऐश के सिर को फिर से सक्रिय करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था कि प्राणी पृथ्वी पर आए जब शेष दल द्वारा पूछताछ की गई तो ऐश ने कहा कि यह प्राणी मारने योग्य नहीं है और इसके मनोविज्ञान के लिए प्रशंसा व्यक्त करता है जो विवेक या नैतिकता से बाधित नहीं है और उनके जीवित रहने की संभावनाओं के बारे में उन्हें ताना मारता है रिप्ले ने उसकी शक्ति काट दी और पार्कर ने उसे भस्म कर दिया शेष दल ने नोस्ट्रोमो को स्वयं नष्ट करने और शटल में भाग जाने का निर्णय लिया हालांकि जीवन रक्षक आपूर्ति इकट्ठा करते समय पार्कर और लैंबर्ट पर घात लगाकर हमला किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है रिप्ले आत्मविनाश का क्रम शुरू करती है लेकिन पाता है कि एलियन शटल तक उसका रास्ता रोक रहा है वह पीछे हट जाती है और आत्मविनाश को रोकने का असफल प्रयास करती है कोई और विकल्प न होने पर वह जोन्स को लेकर शटल की ओर भागती है और नोस्ट्रोमो में विस्फोट होने पर वह बाल बाल बच जाती है जैसे ही रिप्ले ठहराव के लिए तैयार होती है उसे पता चलता है कि एलियन उस पर सवार है जिसने खुद को एक संकीर्ण जगह में फंसा लिया है वह एक स्पेस सूट पहनती है और जीव को बाहर निकालने के लिए गैस का उपयोग करती है यह रिप्ले के पास पहुंचता है लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर सके वह एक एयरलॉक दरवाजा खोलती है जिससे वह लगभग अंतरिक्ष में उड़ जाता है हालांकि यह फ्रेम को पकड़कर लटका रहता है रिप्ले ग्रैपलिंग हुक से उस पर गोली चलाता है लेकिन एयरलॉक दरवाजा बंद होते ही बंदूक पकड़ लेती है जिससे एलियन शटल से बंद जाता है यह खुद को इंजन के निकास में खींच लेता है लेकिन रिप्ले इंजन को चालू कर देता है जिससे यह दूर अंतरिक्ष में चला जाता है अंतिम लॉक प्रविष्टि दर्ज करने के बाद वह जोन्स और खुद को पृथ्वी पर वापस यात्रा के लिए रोक देती है कास्ट करें यह भी देखें एलियन फिल्म श्रृंखला पात्रों की सूची फिल्म के सात प्रमुख कलाकार एक सफेद पृष्ठभूमि के सामने फिल्म की वेशभूषा में और हाथ में हथियार लिए हुए खड़े हैं एलियन के मुख्य कलाकार बाएं से दाएं होन स्टैंटन वीवर कोटो स्केरिट काटराइड और हट नॉस्ट्रोमो के कप्तान डलास के रूप में टॉम स्केरिट फिल्म के विकास के आरंभ में स्केरिट से संपर्क किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि अभी तक कोई निर्देशक नहीं था और इसका बजट बहुत कम था बाद में जब स्कॉट को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया और बजट दोगुना कर दिया गया तो स्केरिट ने भूमिका स्वीकार कर ली जारा बारह केन के रूप में जॉन हर्ट कार्यकारी अधिकारी जो एलियन का मेजबान बन जाता है इस भूमिका के लिए हर्ट स्कॉट की पहली पसंद थे लेकिन उन्हें एलियन की फिल्मांकन की तारीखों के दौरान दक्षिण अफ्रीका में एक फिल्म के लिए अनुबंधित किया गया था इसलिए उनकी जगह जॉन फिंच को केन की भूमिका के लिए चुना गया तेरह हालांकि शूटिंग के पहले दिन के दौरान फिंच बीमार हो गए और उन्हें टाइप एक मधुमेह का पता चला जिससे ब्रोंकाइटिस का मामला भी बढ़ गया था चौदह हट इस समय लंदन में थे उनकी दक्षिण अफ्रीकी परियोजना विफल हो गई थी और उन्होंने तुरंत फिंच की जगह ले ली बारह चौदह उनके प्रदर्शन ने उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया पंद्रह नोस्ट्रोमो पर वारंट अधिकारी रिप्ले के रूप में सिगोर्नी वीवर इस भूमिका के लिए मेरिल स्ट्रीप पर विचार किया गया था लेकिन उनसे संपर्क नहीं किया गया क्योंकि उनके साथी जॉन कैजल की हाल ही में मृत्यु हो गई थी सोला वीवर जिनके पास ब्रॉडवे का अनुभव था लेकिन फिल्म में अपेक्षाकृत अज्ञात थे ने अपने ऑडिशन से स्कॉट गिलेर और हिल को प्रभावित किया वह फिल्म के लिए चुनी जाने वाली आखिरी अभिनेत्री थी और सेट के निर्माण के दौरान उन्होंने अपने अधिकांश स्क्रीन परीक्षण स्टूडियो में किए बारह तेरह रिप्ले की भूमिक आ किसी मोशन पिक्चर में वीवर की पहली प्रमुख भूमिका थी और उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटन पुरस्कार और अग्रणी फिल्म भूमिका के लिए सबसे आशाजनक नवागंतुक के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला सत्रह नोस्ट्रोमो के नाविक लैम्बर्ट के रूप में वेरोनिका कार्ट्राइड कार्ट्राइड को हॉरर और साइंस फिक्शन फिल्मों का अनुभव था उन्होंने द बर्स उन्नीस में एक बच्चे के रूप में अभिनय किया था और हाल ही में इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स उन्नीस में अभिनय किया था 18 उन्होंने मूल रूप से रिप्ले की भूमिका के लिए पढ़ा था और जब तक वह वार्डरोक के लिए लंदन नहीं पहुंची तब तक उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन्हें लैम्बर्ड की भूमिका के लिए चुना गया है बारह उन्नीस उन्हें किरदार की भावनात्मक कमज़ोरी नापसंद थी तेरह लेकिन फिर भी उन्होंने इस भूमिका को स्वीकार कर लिया उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि दर्शकों का डर मैं ही थी दर्शक जो महसूस कर रहे हैं मैं उसका प्रतिबिंब थी बारह कार्ट्राइट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सैटर्न पुरस्कार जीता दोस्तों इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग डेट 16 अगस्त 2024 होने वाली है और इसे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक तरह से ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और टीज़र ट्रेलर की बात की जाए तो अभी कुछ टीज़र या ट्रेलर आउट नहीं किया गया है कुछ अपडेट लेकर नहीं आई है लेकिन कुछ फेक टीज़र एक तरह से यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है हमें एक तरह से देखने को मिलने वाली है जैसे कि मैंने बताया दो हज़ार चौबीस को उसके बाद इसे थोड़े दिनों के अंदर ही ओ टी टी पर उतार दिया जाएगा ओ टी टी राइट्स के बारे में बात की जाए तो ये एक तरह से हमें होलो और साथ ही साथ और भी कई प्लेटफॉर्मों पर देखने को मिल सकते हैं और टीजर ट्रेलर की बात की जाए तो दो हज़ार चौबीस के

ओबेनन ने एलियन के लिए पटकथा लिखी जो रोनाल्ड शुसेट के साथ लिखी एक कहानी पर आधारित थी उन्होंने कल्ट हॉरर कॉमेडी द रिटर्न ऑफ द दे लिविंग डेड का लेखन और निर्देशन भी किया उन्होंने स्टार वार्स में कंप्यूटर एनिमेशन में योगदान दिया और डार्क स्टार हेवी मेटल और टोटल रिकॉल जैसे पंथ क्लासिक्स पर काम किया प्रारंभिक जीवन ओबेनन का जन्म सेंट लुइस मिसौरी में हुआ था जो बर्था नी लोवेंथल और थॉमस सिडनी ओबेनन एक बढ़ी के पुत्र थे दो अपने बचपन के दौरान वह विज्ञान कथा और डरावनी उत्साही थे उन्होंने सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के कला विद्यालय में भाग लिया तीन जहां उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन किया कैंपस थिएटर प्रस्तुतियों के लिए मेकअप किया और छात्र जीवन छात्र समाचार पत्र के लिए चित्र प्रदान किए वहां उन्होंने भावी फिल्म निर्माता माइकल शैम्बर्ग के साथ मुलाकात की वाशिंगटन विश्वविद्यालय के बाद वो बैनन कुछ समय के लिए घर चले गए और फ्लोरिसेंट वैली जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया जहां उन्होंने द अटैक ऑफ द पचास फुट चिकन शीर्षक से एक लघु विज्ञान कथा व्यंग्य लिखा और निर्देशित किया ओबेनन ने इलिनोइस के जैक्सनविले में मैकमरे कॉलेज में भी पढ़ाई की इस अवधि के दौरान उन्होंने मनोविज्ञान की डिग्री हासिल की चार लेकिन बाद में उनकी रुचि फिल्म निर्देशक बनने में हो गई ओबैनन के अनुसार वह प्लेबॉय का एक अंक पढ़ रहे थे जब उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूलों पर चर्चा करने वाला एक लेख मिला जो उन्हें दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएससी तक ले गया चार उन्होंने 1970 में यूएससी से फिल्म में स्नातक की डिग्री प्राप्त की पांच यूएससी में रहते हुए वह लॉस एंजल्स परिसर के पास एक पुराने दो मंजिला घर में रहते थे जिसे प्यार से मेनलो मैनर कहा जाता था जिसे उन्होंने अन्य यूएससी छात्रों के साथ साझा किया था डॉन जैकोबी जिन्होंने ब्लू थंडर और जे ली सहित डैन के साथ कई पटकथाओं पर सहयोग किया एक छात्र के रूप में ओबेनन ने अपनी और अन्य छात्र फिल्मों का संपादन करते हुए पुराने हॉलीवुड में कई देर रातें बिताई कैरियर 1970 का दशक यूएससी में उनकी मुलाकात जॉन कारपेंटर से हुई और उन्होंने उनके साथ एक छात्र फिल्म में सहयोग किया जिसे अंततः उन्होंने फीचर लेंथ साइंस फिक्शन फिल्म डार्क स्टार में विस्तारित किया छह फिल्म का कुछ हिस्सा मेन्नो मनोर में फिल्माया गया था उन्नीस में रिलीज हुई इसका अंतिम बजट केवल साठ हजार यूएस डॉलर 2022 में तीन लाख साठ हजार डॉलर के बराबर था ओबेनन ने स्क्रिप्टिंग प्रमुख भूमिकाओं में से एक में अभिनय साजेंट पिनबैक और संपादन सहित कई क्षमताओं में कार्य किया जिसके लिए उन्होंने 1940 के दशक की मूवियोला का उपयोग किया एक 975 में डार्क स्टार ने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों के लिए गोल्डन स्क्रॉल पुरस्कार सैटर्न अवार्ड्स का मूल नाम जीता उन्हें फ्रैंक हर्बर्ट के ड्यून के एलेजांद्रो जोडोरोव्स की प्रोडक्शन के लिए विशेष प्रभावों की निगरानी के लिए रखा गया था सात आठ वह परियोजना 1976 में टूट गई और फिल्म कभी नहीं बनी कथित तौर पर क्योंकि प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो निर्देशक के रूप में जोडोरोवस्की के साथ फिल्म के वित्तपोषण से सावधान थे ओबेनन की भूमिका को 2013 की डॉक्यूमेंट्री जोडोरोव्सकीज ड्यून में प्रमुखता से दिखाया गया है ड्यून के ढहने से ओबेनन टूट गया बेघर हो गया और अपने अस्तित्व के लिए दोस्तों पर निर्भर हो गया नौ द गार्जी न के अनुसार जॉर्ज लुकास अपने हाथ से एनिमेटेड नकली कंप्यूटर स्क्रीन ग्राफिक्स से काफी प्रभावित हुए और उन्हें स्टार वार्स पर इसी तरह का काम करने के लिए नियुक्त किया लेकिन अन्यथा यह उनके लिए एक अविश्वसनीय रूप से कमज़ोर अवधि थी दस अंततः उन्होंने पटकथा लेखन के लिए तकनीकी फिल्म का काम छोड़ दिया अपने दोस्त रोनाल्ड शुसेट के साथ रहते हुए वे ओबेनन की करियर बनाने वाली फिल्म एलियन उन्नीस की कहानी लेकर आए जिसके लिए उन्होंने पटकथा लिखी और दृश्यों का पर्यवेक्षण किया 1980 का दशक 1981 में ओबेनन ने एनिमेटेड फीचर हेवी मेटल बनाने में मदद की इसके दो खंड सॉफ्ट लैंडिंग और बी सत्रह लिखे ओबेनन ने अपनी अगली बड़े बजट की फिल्म जॉन बधम की ब्लू थंडर उन्नीस सौ लॉस एंजल्स हेलीकॉप्टर निगरानी टीम के बारे में एक एक्शन फिल्म पर अपनी नाराजगी व्यक्त की मूल रूप से डॉन जैकोबी के साथ लिखी गई ब्लू थंडर को भी व्यापक पुनर्लेखन से गुजरना पड़ा जिससे इसकी कुछ राजनीतिक सामग्री खो गई उन्होंने और जैकोबी ने कॉलिन विल्सन के उपन्यास द स्पेस वैम्पायर्स पर आधारित और टोबे हुपर द्वारा निर्देशित ला आई फोर्स उन्नीस 1985 फिल्म की पटकथा भी लिखी जो विदेशी दौरे से लेकर पिशाचवाद और एक सर्वनाशकारी अंत तक घूमती है उस समय इसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली और इसे ऑफिस पर फ्लॉप माना गया ओबेनन उन्नीस की रीमेक इन्वेडर्स फ्रॉम मार्स के लिए फिर से जैकोबी और हुपर के साथ सहयोग करेंगे शुद्धतावादियों ने इसे 1950 के दशक की मूल फिल्म से कमतर माना और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन खराब रहा जारा ओबेनन ने सीएचयूडी के लिए एक सलाहकार के रूप में भी काम किया जिससे शीर्षक प्राणियों के लिए डिजाइन अवधारणा तैयार करने में मदद मिली बारह उन्नीस में ओबेनन जॉर्ज रोमेरो की नाइट ऑफ द दे लिविंग डेड की अगली कड़ी द रिटर्न ऑफ द दे लिविंग डेड के साथ निर्देशक की कुर्सी पर आसीन हुए तेरह एलियन की तरह इस फिल्म को भी सफलता मिली इसके कई सीक्वल बने और यह एक क्लासिक फिल्म बन गई उस वर्ष उन्हें इंकपॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चौदह 1990 का दशक 1990 में ओबेनन और शुसेट ने फिर से टोटल रिकॉल पर लेखक के रूप में टीम बनाई जो फिलिप के डिक की लघु कहानी वी कैन रिमेम्बर इट फॉर यू होलसेल का रूपांतरण था पंद्रह यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर दोनों एलियन पर सहयोग करने के बाद से काम कर रहे थे शेरोन स्टोन और अर्नोल्ड श्वार्जनेगर जैसे कलाकारों के साथ टोटल रिकॉल ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की इस जोड़ी की पहले की पटकथा जिसका शीर्षक हीमोग्लोबिन था को भी कम बजट की फ़ीचर ब्लीडर्स उन्नीस के रूप में तैयार किया गया था ओबेनन की दूसरी निर्देशित फिल्म द रिसरेक्टेड उन्नीस एक कम बजट वाली डरावनी कोशिश थी जिसे सीधे से वीडियो जारी किया गया था एचपी लवक्राफ्ट के लेखन के आधार पर यह एक परिवार के प्राचीन रीति रिवाजों पर केंद्रित है जो मृतकों को जगाते हैं उन्नीस में ओबेनन को फिलिप के डिक की कहानी सेकंड वैरायटी पर आधारित विज्ञान फाइव फिल्म स्क्रीमर्स के लिए सह लेखन का श्रेय मिला उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में माइकल कैंपस के साथ पटकथा का प्रारंभिक संस्करण लिखा था सोलह 2000 के दशक 2001 में ओबेनन चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स में फिल्म निर्माता थे 17 ओबेनन और शुसेट को 2004 की साइंस फिक्शन फिल्म एलियन बनाम प्रीडेटर जो कि एलियन का प्रीक्वल था के लेखक के रूप में श्रेय दिया गया 18 मरणोपरांत दो हजार में डेन ओबेनन की गाइड टू स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर रिलीज हुई जो मैट आर लोहर के साथ सह लिखित थी उन्नीस व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु उनका और उनकी पत्नी डायने का एक बेटा एडम था 20 ओबेनन की 17 दिसंबर 2009 को लॉस एंजल्स में क्रोहन रोग की जटिलताओं से मृत्यु हो गई एक इक्कीस उन्होंने एलियन के सीने फोड़ने वाले दृश्य को प्रेरित करने के लिए क्रोहन के साथ अपने अनुभवों को श्रेय दिया कैली स्पैनी बटा के ई एल आई एस पी ई एन आई बटा दो जन्म 24 जुलाई उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेत्री है तीन उनकी पहली प्रमुख भूमिका साइंस फिक्शन फिल्म पैसिफिक रिम अपराइजिंग 2018 हज़ार में थी जिसके बाद उसी वर्ष बैड टाइम्स एट द एल रोय ऑन दिखाई दी लघु श्रृंखला देव्स 2020 और मारे ऑफ ईस्ट टाउन दो में उनकी सहायक भूमिकाएं थी स्पेनी ने अलौकिक हॉरर फिल्म द क्राफ्ट लिगेसी 2020 में मुख्य भूमिका निभाई और बायोपिक प्रिसिला 2023 में प्रिसिला प्रेस्ली की भूमिका निभाई बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वोल्पी कप मिला प्रारंभिक जीवन और शिक्षा स्पेनी का जन्म टेनेसी में हुआ था लेकिन उनका पालन पोषण स्प्रिंगफील्ड मिसौरी में हुआ बड़े होकर उन्होंने स्प्रिंगफील्ड लिटिल थिएटर समूह में काफी समय बिताया जिसके साथ उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया चार दो शून्य एक चार दो शून्य एक पाँच सीजन में उन्हें द विजार्ड ऑफ ओज में डोरोथी की मुख्य भूमिका मिली पाँच छरियर कैरियर 2018 में स्पैनी उनकी पहली फिल्म भूमिका 2016 की लघु फिल्म काउंटिंग टू 1000 में एरिका के रूप में थी 2018 में उन्होंने कई प्रमुख फिल्म भूमिकाएं निभाईं जिसमें जॉन बॉयगा और स्कॉट ईस्टवुड के साथ स्टीवन एस डेकनाइट के साइंस फिक्शन मॉन्स्टर एडवेंचर पैसिफिक रिम अपराइजिंग में अभिनय किया एल रॉयल में ड्रू गोडार्ड की थ्रिलर बैड टाइम्स सात आठ नौ और जीवनी नाटक ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड वाइस दस वह अगली बार एफ एक्स डेव्स के मुख्य कलाकारों में दिखाई दी और 2020 में फिल्म द क्राफ्ट लिगेसी में अभिनय किया एक दो शून्य दो एक में वह एचबीओ सीमित श्रृंखला मारे ऑफ टाउन एक मर्डर मिस्ट्री में दिखाई दी जिसमें केट विंसलेट ने अभिनय किया बारह इसके बाद उन्होंने द फर्स्ट लेडी 2022 हजार बाईस श्रृंखला में अन्ना रूजवर्थ हेलस्टेड की भूमिका निभाई तेरह 2023 में स्पेनी ने सोफिया कोपोला की जीवनी ड्रामा फिल्म प्रिसिला में जैकब एलोडी के साथ एल्विस प्रेस्ली के रूप में प्रिसिला प्रेस्ली के रूप में अभिनय किया चौदह वैरायटी के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए ओवेन ग्लीबरमैन ने कहा स्पेनी प्रिसिला को ताकत का प्रतीक बनाती है लेकिन उसके प्रदर्शन की ताकत यह है कि वह प्रिसिला की धीमी गति वाली उदासी को कैसे प्रदर्शित करती है पंद्रह उनके प्रदर्शन ने उन्हें अस्सीवे वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वोल्पी कप दिलाया सोलह स्पेनी अगली बार साइंस फिक्शन फिल्म एलियन रोमुलस और एक्शन फिल्म सिविल वॉर में अभिनय करेंगे सत्रह अठारह फिल्मोग्राफी फिल्म कैली स्पेनी द्वारा फिल्म का काम वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां दो शून्य एक छः एक शून्य 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 तक गिनती एरिका लघु फिल्म 2018 प्रशांत रिम विद्रोह अमरा नामानी एल एलरोयाले में बुरा समय गुलाबी ग्रीषमवस सेक्स के आधार पर जेन गिन्सबर्ग उपाध्यक्ष लिन चेनी युवा 2020 शिल्प विरासत लिली शेचंग 2021 यह कैसे समाप्त होता है छोटी लिजा 2022 हजार असीमित विश्व लार्स लघु फिल्म 2023 हजार तेईस प्रिसिला प्रिसला प्रेस्ली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए वोल्पी कप नामांकित उत्कृष्ट मुख्य प्रदर्शन के लिए गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार 19 2024 एलियन रोमुलस टीबीए पोस्ट प्रोडक्शन 20 गृहयुद्ध टीबीए डाक उत्पादन टेलीविजन कैली स्पेनी द्वारा टेलीविजन कार्य वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2020 हजार बीस देव लिंडन लघु श्रृंखला 2021 हजार ईस्टटाउन की घोड़ी एरिन मैकमेनामिन लघु श्रृंखला 2022 प्रथम महिला अन्ना रूजवेल्थ हेलस्टेड आवर्ती भूमिका संगीत वीडियो कैली स्पेनी द्वारा संगीत वीडियो कार्य वर्ष बैंड गाना टिप्पणियां 2019 सभी अमेरिकी खारिज करते हैं उसे स्वर्ग भेजो डेविड जॉनसन जन्म उन्नीस सौ तिरानवे बटा उन्नीस एक ब्रिटिश अभिनेता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वेस्ट एंड से की उन्हें बीबीसी टू और एचबीओ सीरीज इंडस्ट्री 2020 और फिल्म राई लेन दो में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है बात के लिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार नामांकन अर्जित किया 2022 में जोसन देखने लायक लंदनवासियों की इवनिंग स्टैंडर्ड सूची में शामिल हुए एक और ब्रिटिश जीक्यू के मेन ऑफ द ईयर सम्मान पाने वालों में से एक थे दो टैटलर द्वारा उन्हें 2023 ब्राइट यंग थिंग का नाम दिया गया था तीन और स्क्रीन इंटरनेशन स्टार ऑफ टुमारो चार प्रारंभिक जीवन जोसन पूर्वी लंदन डॉकलैंड्स के एक क्षेत्र कस्टम हाउस में पले बढ़े पांच उनके पिता हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक आईटी इंजीनियर थे जबकि उनकी मां मेट्रोपॉलिटन पुलिस के लिए काम करती थी वह अपनी पृष्ठभूमि को अफ्रीकी कैरेबियन और स्वीडिश विरासत के साथ क्रियोल के रूप में वर्णित करता है स्कूल में परेशानी में पढ़ने के बाद जोसन ने अपनी मां के सामने स्वीकार किया कि वह अभिनेता बनना चाहता है एक बार जब उन्होंने अपना जीसीएसई पूरा कर लिया तो जोसन ने न्यूयॉर्क में दो साल बिताए 18 साल की उम्र में लंदन लौटने पर साथ वह नेशनल यूथ थिएटर में शामिल हो गए और 2016 में अभिनय में कला स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट आरईडीए में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की आठ कैरियर राडा से स्नातक होने पर जॉनसन को अल्मेडा थिएटर में मैरी स्टुअर्ट नाटक में विलियम डेविसन के रूप में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत में चुना गया था नौ दो की शुरुआत में प्रोडक्शन को ड्यूक ऑफ यॉर्क के थिएटर में स्थानांतरित कर दिया गया जो जोन्सन की वेस्ट एंड की शुरुआत थी उसी वर्ष वह वेस्ट एंड पर फिर से दिखाई दिए इस बार सोहो में डॉन जुआन में डेविड टेनेंट के साथ विंडहैम थिएटर में दस दो में जोसन ने आईटीवी जासूसी नाटक एंडेवर के दो एपिसोड में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की उन्होंने जेन वाई नामक लघु फिल्म का लेखन निर्देशन और अभिनय किया अगले वर्ष उन्होंने फॉक्स यूके जासूसी थ्रिलर डीप स्टेट की दूसरी श्रृंखला में आवर्ती चरित्र इसहाक टर्नर की भूमिका निभाई जारह दो तक जोसन ने बीबीसी टू और एचबीओ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ड्रामा इंडस्ट्री में ऑक्सटस गस सैकी की भूमिका निभाई बारह तेरह भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने चरित्र के अल्मा मेटर्स ईटन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का दौरा किया ताकि वे अपनी पृष्ठभूमि से खुद को परिचित कर सकें जॉनसन ने अल्मेडा में एंड ब्रीथ में अपने प्रदर्शन के लिए 2021 ब्लैक ब्रिटिश थिएटर अवार्ड जीता उन्होंने बीबीसी रेडियो चार के लिए ग्रेट लाइव्स का जीन मिशेल बास्कियाट एपिसोड प्रस्तुत किया चौदह जॉनसन ने रोमांटिक कॉमेडी राई लेन में विवियन ओपरा के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की जिसे आलोचकों की प्रशंसा के लिए 2023 हज़ार फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया पंद्रह गॉड स्पाई बेन बटा यूबैंक सोलह बोनोफर साथ ही पैरामाउंट प्लस सीरीज द रोड ट्रिप में उनकी आगामी भूमिकाएं हैं इसाबेला योलांडा मोनेर तीन चार जन्म दस जुलाई 2001 हजार एक जिन्हें दो से पेशेवर रूप से इसाबेला मर्सिड के नाम से जाना जाता है एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका है उन्होंने निक्लोडियन टेलीविजन श्रृंखला एक सौ थिंग्स टू डू बिफोर हाई स्कूल दो शून्य एक चार दो शून्य एक छः में सीजे मार्टिन की मुख्य भूमिका निभाई और निक्लोडियन की एनिमेटेड स्पिन ऑफ श्रृंखला डोरा एंड फ्रेंड्स इनटू द सिटी में केट को आवाज दी दो शून्य एक चार दो शून्य एक सात फिल्म में उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट दो हजार सत्रह में इजाबेला इंस्टेंट फैमिली 2018 में लिजी सिकारियो डे ऑफ द सोलाडो 2018 में इसाबेल डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड 2019 में मुख्य किरदार निभाया है और नेटफ्लिक्स फिल्म स्वीट गर्ल 2021 में राचेल कूपर प्रारंभिक जीवन और शिक्षा मर्सर का जन्म क्लीवलैंड ओहियो में हुआ था पाँच छह वह कैथरीन की बेटी है जिनका जन्म लीमा पेरू में हुआ था और पैट्रिक मोनर जिनका जन्म लुइसियाना में हुआ था पाँच सात मर्सिड ने कहा है कि स्पेनिश उसकी पहली भाषा थी और जब उसने पहली बार ग्रेड स्कूल शुरू किया तो उसे अंग्रेजी के साथ संघर्ष करना पड़ा साथ यह कहते हुए कि वह खुद को अमेरिकी की तुलना में अधिक पेरुवियन मानती है आठ पंद्रह साल की उम्र में उन्हें कॉलेज में स्वीकार कर लिया गया नौ मेरे ने अपने परिवार का क्लीवलैंड घर आग में नष्ट हो जाने के बाद अभिनय करना शुरू किया मर्सिर जूडी गार्लैंड की प्रशंसक थी इसलिए उसके माता पिता उसे नुकसान से विचलित करना चाहते थे उससे पूछा कि क्या वह द विजार्ड ऑफ ओज के स्थानीय उत्पादन के लिए ऑडिशन देना चाहती है वह सहमत हो गई और उसे मंचकिन के रूप में चुना गया एक स्थानीय थिएटर निर्देशक ने ब्रॉडवे पर अपना करियर बनाने में मदद करने के लिए परिवार से न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित होने का आग्रह किया जो उन्होंने किया दस कैरियर मर्सेड ने कहा है कि वह बहुत कम उम्र से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी जो शर्ली टेम्पल और जूडी गार्लैंड की फिल्मों से प्रेरित थी और छह साल की उम्र में स्थानीय सामुदायिक थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था जारा मर्सिड ने अपना ब्रॉडवे डेब्यू 10 साल की उम्र में एविटा के प्रोडक्शन में किया था बारह जिसमें उन्होंने रिकी मार्टिन के साथ स्पेनिश में गाना गाया था सात उन्होंने सितंबर 2015 में ब्रॉडवे रिकॉर्ड्स द्वारा निर्मित एक एल्बम जारी किया जिसका शीर्षक था स्टॉपिंग टाइम तेरह मर्सेड का पहला अभिनय प्रदर्शन सीजे मार्टिन के रूप में था जो निकलोडियन टेलीविजन श्रृंखला 100 सौ थिंग्स टू डू बिफोर हाई स्कूल में मुख्य भूमिका में थे 7 दिसंबर 2014-2014 से 2016 तक उसी वर्ष उन्होंने केट की आवाज देना शुरू किया डोरा द एक्सप्लोरर ऑफ डोरा एंड फ्रेंड्स इन्टू द सिटी में मुख्य पात्रों में से एक यह भूमिका उन्होंने 2014 से 2017 तक निभाई एक पांच दो शून्य एक पाँच में वह निक्लोडियन ओरिजिनल मूवी स्प्लिटिंग एडम में लोरी कॉलिन्स के रूप में दिखाई दी 16 और 2016 में निक्लोडियन ओरिजिनल मूवी में उन्हें प्रमुख भूमिकाओं में से एक सैडी के रूप में चुना गया छिपे हुए मंदिर की किमदंतिया सत्रह अठारह मई 2016 में मर्सिड को फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट में कास्ट किया गया था जो जून 2017 में रिलीज हुई थी उन्नीस बीस उन्होंने एनिमेटेड फिल्म द नट जॉब दो नट्टी बाय नेचर में हीदर की आवाज दी थी जिसे 11 अगस्त 2002 शून्य एक सात को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था 21 2018 में मेरे 2018 में मर्सिड की सिकारियों डे ऑफ द सोलाडो में एक प्रमुख भूमिका थी जिसमें उन्होंने एक ड्रग कार्टेल प्रमुख की बेटी की भूमिका निभाई थी बाईस तेईस इस प्रदर्शन को आलोचकों द्वारा सराहा गया था द न्यूयॉर्कर के एंथोनी लेन ने लिखा मोनर बहुत बढ़िया है और उसके चरित्र की किस्मत उसकी आंखों में पढ़ी जा सकती है शुरू में चमकदार जब वह एक स्कूल के मैदान में दूसरी लड़की के साथ घूमती है लेकिन अंत तक अंधेरा और खाली उनकी युवा आग उसने जो हिंसा देखी है उससे वह स्तब्ध है चौबीस उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी फिल्म इंस्टेंट फैमिली में मार्क वाहलबर्ग और रोज बर्न द्वारा निभाए गए पात्रों की गोद ली हुई बेटी की भूमिका निभाई 25 जिसके लिए उन्होंने आई विल स्टे गीत भी लिखा और गाया दो छः दो सात दो शून्य एक नौ में मर्सिड ने डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया जो एनिमेटेड श्रृंखला का एक लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण था अट्ठाईस उनतीस और क्रिसमस रोमांटिक कॉमेडी कलाकारों की टुकड़ी में शामिल किया गया था यह बर्फ दें तीस उसी वर्ष उन्हें नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म स्वीट गर्ल में जेसन मोमोआ के साथ कास्ट किया गया था इकतीस चौदह अक्टूबर 2019 को मर्सिड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने प्रशंसकों को घोषणा की कि उसने अपनी दिवंगत दादी की याद में अपना मंच नाम इसाबेला मर्सिड बत्तीस में बदलने का फ़ैसला किया है जिनसे वह कभी नहीं मिली थी तैतीस मर्सिड ने बाद में बताया कि उसने कानूनी तौर पर अपना नाम नहीं बदला है और कहा कि यह सिर्फ एक मंच का नाम था लेकिन इसका गहरा अर्थ है चौतीस उनका पहला एकल पापी 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुआ उसके बाद उनका पहला संगीत वीडियो 6 नवंबर 2019 को रिलीज हुआ 35 बाईस मई 2020 को मर्सिड ने अपना पहला ईपी द बेटर हाफ रिलीज किया मेरा 36 और जुलाई 2020 में सुनने के लिए बिलबोर्ड के शीर्ष 15 नए पेरू कलाकारों में से एक नामित किया गया था 37 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि मर्सिड टर्टल्स ऑल द वे डाउन में अभिनय करेगी जो जॉन ग्रीन के 2017 के उपन्यास का एक फ़िल्म रूपांतरण है जिसका फ़िल्मांकन अप्रैल 2022 में शुरू हुआ अड़तीस उन्नीस मार्च 2023 में मर्सिड कलाकारों में शामिल हो गया फेडे अलवारेज का एलियन रोमुलस 1940 जुलाई 2023 में मर्सिड को डीसी यूनिवर्स डीसीयू फिल्म सुपरमैन लिगेसी 2025 में पच्चीस में हॉकगर्ल के रूप में चुना गया था 41 फिल्मोग्राफी फिल्मी भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका का 2013 वह घर जिसे जैक ने बनाया था युवा ना दिया हजार मिडिल स्कूल मेरे जीवन के सबसे बुरे वर्ष जीन गैलेटा 2017 हजार सत्रह ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट इजाबेला द नट जॉब दो नट्टी बाय नेचर हीदर आवाज 2018 हजार अठारह सिकारियो सोलाडो का दिन इसाबेल रेस तत्काल परिवार लीजिए। 2019 हजार डोरा और सोने का खोया शहर डोरा इसाबेला मोनेर के रूप में 30। यह बर्फ दे जूली इसाबेला मर्सिड के रूप में 30। 2021 आत्मा अदम्य लकी प्रेस्कॉट आवाज प्यारी लड़की राहल कूपर 2022 दुल्हन के पिता कोरा हेरेरा रोजलीन जूलियट। 2024 मैडम वेब आनिया कोराजोन बटा अराना पोस्ट प्रोडक्शन 42 नीचे तक कछुए अजा होम्स पोस्ट प्रोडक्शन अड़तीस उनतालीस एलियन रोमुलस टीबीए पोस्ट प्रोडक्शन 43 टेलीविजन भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2014 बड़ा हो रहा फिशर जेनी आवर्ती भूमिका सात एपिसोड 2014 से 2017 डोरा और मित्र शहर में कैट मुख्य स्वर भूमिका 2014 से 2016 हाई स्कूल से पहले करने योग्य 100 चीजें सीजे मार्टिन मुख्य भूमिका 2015 एडम को विभाजित करना लोरी कोलिन्स टेलीविजन फिल्म 2016 छिपे हुए मंदिर की किम्वदंतिया सैडी टेलीविजन फिल्म दो हजार उन्नीस द अमेजिंग रेस कनाडा स्वयं एपिसोड क्लेमेगेडन कंटिन्यूज चवालीस दो हजार बीस किड्स टुगेदर निकलोडियन टाउन हॉल स्वयं टेलीविजन विशेष दो हज़ार इक्कीस माया और तीन विधवा रानी लघु श्रृंखला आवास की भूमिका वीडियो गेम भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां दो हजार सत्रह किंगडम हार्ट्स पिछला कवर एवा लघु फिल्म आवाज की भूमिका पैतालीस पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम संदर्भ दो हज़ार पंद्रह इमेजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री टेलीविजन हाई स्कूल से पहले करने योग्य एक सौ चीजें मनोनीत छियालीस 2016 इमेजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता टेलीविजन हाई स्कूल से पहले करने योग्य 100 चीजें जीत गया सैतालीस 2017 हज़ार सत्रह तीन चॉइस पुरस्कार चॉइस समर मूवी अभिनेत्री ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट मनोनीत 48 2017 हजार सत्रह सिनेमाकॉन पुरस्कार वर्ष का उभरता सितारा स्वयं जीत गया उनचास युवा मनोरंजनकर्ता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकारों की टुकड़ी फीचर फिल्म मिडिल स्कूल मेरे जीवन के सबसे बुरे वर्ष मनोनीत पचास 2019 युवा मनोरंजन युवा मनोरंजनकर्ता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अग्रणी युवा अभिनेत्री तत्काल परिवार जीत गया इक्यावन इमेजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फीचर फिल्म तत्काल परिवार जीत गया बावन 2020 इमेजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फीचर फिल्म डोरा और सोने का खोया शहर जीत गया आर्ची जेम्स बीले जन्म 22 नवंबर उन्नीस जिन्हें पेशेवर रूप से आर्ची रेनॉक्स के नाम से जाना जाता है एक अंग्रेजी अभिनेता है उन्हें बीबीसी वन मिनिस्ट्रीज गोल्ड डिगर 2019 और नेटफ्लिक्स सीरीज शैडो एंड बोर्न दो शून्य दो एक दो शून्य दो तीन में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा रेनॉक्स किंगस्टन अपॉन टेम्स में टॉलवर्ड से है दो परिवार में उनकी मां का पक्ष एंग्लो इंडियन है उनकी दो बहनें और एक भाई है रेनॉक्स ने लंदन के एक ड्रामा स्कूल अनसीन में प्रशिक्षण लेने से पहले रिचर्ड चैलोनर स्कूल में पढ़ाई की तीन अभिनेता बनने के लिए उन्होंने एयर कंडीशनिंग इंजीनियर की नौ पांचवी की नौकरी छोड़ दी चार पांच कैरियर रेनॉक्स ने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया टॉपमैन नासिर मजहर मॉस ब्रदर्स गेट टाइम्स मैगजीन और मेन्स फैशन वीक जैसे कार्यक्रमों में काम किया छह 2017 में रेनॉक्स को डायस्टोपियन फिल्म जीरो में कास्ट किया गया था साथ दो हजार उन्नीस में उन्होंने अमेज़न प्राइम श्रृंखला हन्ना में एक अतिथि भूमिका के साथ टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की और जैसा कि 2018 में घोषणा की गई थी 2019 हजार उन्नीस बीबीसी वन मिनिस्ट्रीज गोल्ड डिगर में लियो डे के रूप में मुख्य भूमिका के साथ आठ नौ रेनॉक्स ने फिल्म वोयाजर्स में एलेक्स और मार्वल की मॉर्बियस में बॉबी जैसी छोटी भूमिकाएं निभाई दस ग्यारह अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की गई थी कि रेनॉक्स 2021 नेटफ्लिक्स श्रृंखला शैडो एंड बोन में मैलिन माल ओरेसेव के रूप में अभिनय करेंगे जो लेह बाडुगो की ओवरलैपिंग फंतासी पुस्तक श्रृंखला शैडो एंड बोन एंड सिक्स ऑफ क्रोस का रूपांतरण है एक दो एक तीन दो शून्य दो दो में रेनॉक समेजन प्राइम मध्ययुगीन कॉमेडी फिल्म कैथरीन कॉर्ड बर्डी और एप्पल टीवी प्लस की जीवनी फिल्म द ग्रेटेस्ट बियर रन एवर में दिखाई दिए 2023 में वह फिल्म द अदर जोए में दिखाई दिए और आगामी फिल्म अपग्रेडेड चौदह के साथ साथ एलियन रोमुलस में भी दिखाई देंगे व्यक्तिगत जीवन रेनॉक्स ने जून 2020 में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से घोषणा की कि वह और उसकी प्रेमिका एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे पंद्रह उनकी बेटी का जन्म अक्टूबर 2020 में हुआ सोलह सत्रह फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2021 हजार इक्कीस एलेक्स दो हजार बाईस पुलिसमैन कैथरीन को बर्डी कहा जाता है एडवर्ड भिक्षु अब तक का सबसे महान बियर रन टॉमी कोलिंग्स 2023 अन्य जोए माइल्स मैकलारेन 2024 एलियन रोमुलस पोस्ट प्रोडक्शन 18 टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2019 हजार उन्नीस हैना फेलिसियानो एक एपिसोड सोने का उत्पादन करने वाला सिंह दिवस लघु श्रृंखला छह एपिसोड 2021 वर्तमान छाया और हड्डी मैलीन मल ओरसेव मुख्य भूमिका संगीत वीडियो गाना वर्ष कलाकार टिप्पणियां मैफ्लाइज 2016 बेंजामिन फ्रांसिस लेफ्टविच खोजकर दो 2017 लिव डॉसन उन्नीस की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जो रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित और डैन ओबेनन द्वारा लिखित है ओबेनन और रोनाल्ड शुसेट की कहानी पर आधारित यह वाणिज्यिक अंतरिक्ष नोस्ट्रोमो के चालक दल का अनुसरण करता है जो एक अज्ञात ग्रह पर एक रहस्यमय परित्यक्त अंतरिक्ष यान के सामने आने के बाद खुद को एक आक्रामक और घातक अलौकिक सेट के खिलाफ पाते हैं नो स्ट्रोमो फिल्म में टॉम्स केरिट सिगोर्नी वीवर वेरोनिका काटराइट हैरी डीन स्टैंटन जॉन हर्ट इयान होल्म और याफेट कोटो ने अभिनय किया है इसका निर्णय आन गॉर्डन कैरोल डेविड गिलर और वाल्टर हिल ने अपनी कंपनी ब्रांडीवाइन प्रोडक्शंस के माध्यम से किया था और इसे बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित किया गया था गिलेर और हिल ने स्क्रिप्ट को संशोधित और परिवर्धन किया सुसेट कार्यकारी निर्माता थे एलियन और उसके साथ जुड़ी कलाकृतियों को स्विस कलाकार एच गिगर द्वारा डिजाइन किया गया था जबकि अवधारणा कलाकार रॉन कॉब और क्रिस फॉस ने अधिक मानवीय सेटिंग्स से डिज़ाइन की थी एलियन का प्रीमियर 25 मई उन्नीस को चौथे सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआती रात के रूप में हुआ जिसे आधी रात को 70 मिमी में प्रस्तुत किया गया सात आठ नौ इसे 22 जून को व्यापक रूप से रिलीज किया गया और यूनाइटेड किंगडम में 6 सितंबर को रिलीज किया गया रिलीज पर इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार तीन सैटर्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन फिल्म स्कॉट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और कार्टराइट के लिए सर्वश्रेष्ठ स हायक अभिनेत्री और एक युगो पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए पुरस्कार तब से गंभीर पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एलियन को अब तक की सबसे महान और सबसे प्रभावशाली विज्ञान कथा और डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है 2002 में कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा एलियन को सांस्कृतिक ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया दो में इसे अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा विज्ञान कथा शैली में सातवीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में और एम्पायर द्वारा अब तक की तैतीसवीं सबसे महान फिल्म के रूप में स्थान दिया गया था एलियन की सफलता ने फिल्मों किताबों वीडियो गेम और खिलौनों की मीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया और वीवर के अभिनय करियर को आगे बढ़ाया उनके चरित्र की विदेशी प्राणियों के साथ मुठभेड़ की कहानी अगली कड़ी एलियंस उन्नीस एलियन तीन उन्नीस और एलियन रिसरेक्शन उन्नीस का विश्वगत और कथात्मक केंद्र बन गई प्रीडेटर फ्रेंचाइज के साथ एक क्रॉसओवर ने एलियन बनाम प्रीडेटर फिल्मों का निर्माण किया जबकि दो फिल्म प्रीक्वल श्रृंखला का निर्देशन स्कॉट द्वारा किया गया था कथानक वाणिज्यिक अंतरिक्ष तक नोस्ट्रोमो स्थिर अवस्था में सात सदस्यीय दल के साथ पृथ्वी पर लौट रहा है कैप्टन डलास कार्यकारी अधिकारी केन वारंट अधिकारी रिप्ले नेविगेटर लैम्बर्ट विज्ञान अधिकारी एश और इंजीनियर पार्कर और ब्रेट पास के चंद्रमा से एक प्रसारण का पता लगाने पर जहाज का कंप्यूटर मदर चालक दल को जगाता है कंपनी की नीति के अनुसार किसी भी संभावित संकट संकेत की जांच की आवश्यकता होती है वे पार्कर के विरोध के बावजूद चंद्रमा पर उतरते हैं इसके वातावरण और चट्टानी परिदृश्य से क्षति होती है इंजीन कियर मरम्मत के लिए बोर्ड पर रहते हैं जबकि डलास केन और लैम्बर्ड इलाके की जांच करते हैं उन्हें पता चलता है कि सिग्नल एक परित्यक्त विदेशी जहाज से आता है और वे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और नोस्टोमो से संपर्क खो देते हैं रिप्ले ट्रांसमिशन के हिस्से को समझता है इसे एक चेतावनी के रूप में निर्धारित करता है लेकिन परित्यक्त जहाज पर मौजूद लोगों को जानकारी नहीं दे सकता है इस बीच केन को एक कक्ष का पता चलता है जिसमें सैकड़ों बड़ी अंडे जैसी वस्तुएं हैं जब वह किसी को छूता है तो एक प्राणी बाहर निकलता है उसके हेलमेट में घुस जाता है और उसके चेहरे से चिपक जाता है डलास और लैम्बर्ट बेहोश केन को वापस नोस्ट्रोमो में ले जाते हैं कार्यवाहक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में रिप्ले ने संगरोध नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया लेकिन ऐश ने उनके फैसले को पलट दिया और उन्हें अंदर जाने दिया ऐश उस जीव को केन के चेहरे से हटाने का प्रयास करती है लेकिन तब रुक जाती है जब उसे पता चलता है कि इसका अत्यधिक संक्षारक अम्लीय रक्त केन को चोट पहुंचा सकता है और संभावित रूप से पतवार को नुकसान पहुंचा सकता है बाद में यह स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है और मृत पाया जाता है जहाज़ की आंशिक मरम्मत हो चुकी है और चालक दल पृथ्वी पर वापस अपनी यात्रा जारी रखता है केन कुछ स्मृति हानि के साथ जागता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है ठहराव पर लौटने से पहले चालक दल के अंतिम भोजन के दौरान उसका अचानक दम घुटने लगता है और वह ऐंठने लगता है एक छोटा विदेशी प्राणी केन दोस्तों आज की स्टूडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात करी जो कि एक एलियन बेस्ड मूवी होने वाली है और साथ ही साथ ये एक तरह से ज़बरदस्त अंदाज में हमें देखने को मिलेगी ये हर कंट्री में हर एक तरह से लैंग्वेज में अवेलेबल कराई जाएगी क्योंकि बड़ी बजट की मूवी होने वाली है और वी एफ एक्स तो आपको पता ही है जाहिर है इसमें वी एफ एक्स जबरदस्त देखने को मिलने वाले हैं बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड भी कई मूवीज़ आ चुकी है लेकिन ये दबा के एक जैसे धमाकेदार मूवी हमें देखने को मिलने वाली है बाकी दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ जाननी हो आप कमेंट कर सकते हैं मैंने प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है बाकी दोस्तों आज की स्टीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में